सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। राष्ट्रीय एकता परिषद के भारत बंद के आह्वान पर जनपद मथुरा में राष्ट्रीय एकता परिषद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में पैदल मार्च का आयोजन किया गया। पैदल मार्च डे गेट से आरम्भ होकर भरतपुर गेट, कोतवाली रोड, होली गेट, विकास बाजार, डैम्पियर नगर पर समापन हुआ। राष्ट्रीय एकता परिषद के द्वारा विभिन्न मुद्दे लेकर अपने रोष का इजहार किया गया। इस अवसर पर महराज अली सहित क्षेत्रपाल निषाद रवि, विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए आरपीएस समाचार पर कृष्णा गुप्ता के साथ। वो बहुजन की बात करेगा, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी की क्या पहचान, सबको दिए ले एक समान। मूल निवासी की क्या पहचान, सबको दिए ले एक समान। आतंकवादी आरएसएस बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। ये किन मुद्दों को लेकर भारत बंद किया गया है? मणिपुर जल रहा है, महिलाओं की अस्मत जो है लूटी जा रही है, देश में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं। नूह में आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने, बिट्टू बजरंगी मानू मानेसर ने देश को जो है आग में झोंकने का काम किया, इसलिए भारत बंद किया जा रहा है। तो इसके अलावा और भी कोई मुद्दे हैं? ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो, भारत सरकार जो बैठी है इसने, इसके पूर्व गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने, वर्तमान रक्षा मंत्री, इन्होंने वायदा किया था कि हम शासन में आएंगे तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराएंगे, इसलिए भारत बंद है। नहीं, सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? कि ये तथ्य सही है कि ये सब जैसे जाति आधारित जनगणना होगी तो ओबीसी वर्गों को 2 करोड़ नौकरियां लगेंगी, ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये 2 करोड़ नौकरियों पर और जो ओबीसी के बैकवर्ड कम्युनिटी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनकी जो है भागीदारी होनी चाहिए भारत की धन धरती राजपाट शैक्षणिक संस्थान सरकारी नौकरियों में, उन पर जनरल क्लास के जो और उनकी तत्सम जातियां हैं उन्होंने नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है। बैकवर्ड ओबीसी के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, उनके हक और अधिकार पर डाका डाला गया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना है, जनगणना न होने के कारण ही ओबीसी का जो हाल आज बुरा है? देखिए, संविधान में जो व्यवस्था है वो संख्या के अनुपात में, जो आरक्षण है वो संख्या के अनुपात में, एससी एसटी ओबीसी धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी जो भी लोग हैं उनकी संख्या के अनुपात में भारत की धन धरती राजपाट शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरियों में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मामला है, ये संविधान की आत्मा की आवाज। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।